Hello everyone, so I'm here back with you again with one more chapter, that is surface area and volume. और ये है हमारे syllabus का last chapter. Yes, finally we have completed with our syllabus. ठीक है, ये आज हम कर लेंगे हमारा one shot में सबसे last chapter of the mathematics, that is surface area and volume. सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अमेजिंग होंगे, राइट? और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से जोरों शोरों से कर रहे होंगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर बेटा. अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स वन शॉट में कवर अप कर लिए हैं विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग हमने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. आपको बस आपके प्रैक्टिस सेट, सॉल्व एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम सेट, इन पे फोकस करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड यू विल जस्ट अचीव 95+ मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स. ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द न्यू चैप्टर. देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो द टॉपिक्स दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर इज सरफेस एरिया ऑफ कोन and surface area of sphere, volume of cone and volume of sphere. ठीक है, तो last class में मतलब 8th standard में आप लोगों ने already बेटा volume, curved surface area, total surface area पढ़ लिया है, which is of cube, cuboid और cylinder, है ना? इन तीन चीज़ों के लिए आपने already total surface area, curved surface area और volume पढ़ा हुआ है. हम उनको पहले रिवाइज करेंगे और फिर ये जो नई चीज़ें हैं, कोन, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये हम डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा हम हेमिस्फीयर का भी पढ़ेंगे बेटा. यहाँ हेमिस्फीयर मेंशन नहीं है, बट वी विल कवर हेमिस्फीयर आल्सो. ठीक है, तो ये नए तीन एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, नए तीन डायग्राम, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो लेट्स जस्ट रिकॉल अबाउट क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर. सो विल बिगिन विथ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के बारे में आपने पढ़ा है बेटा, एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेस, यानी हम कर्व सर्फेस बोल सकते हैं, उसका जो एरिया है दैट इज टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इन टू हाइट, राइट? देन टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, दैट इज टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, इनटू लेंथ इनटू हाइट. ठीक है, टू टाइम्स एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच. एंड यू ऑलरेडी नो दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज ओनली. ठीक है, ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड है बेटा. तो आई विल सजेस्ट कि आप एक चार्ट बना लो जिसमें इस चैप्टर के शेप वाइज सारे फॉर्मूलाज बना लिखे हुए रहेंगे एक टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में, और उसको अपने स्टडी वाले जगह पे चिपका दो. रोज पढ़ते रहो तो उससे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मूलाज रहते हैं एंड कन्फ्यूजन भी होता है इतने फॉर्मूलाज में, राइट? तो इस चैप्टर के लिए दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न द फॉर्मूलाज, एक चार्ट बना के उसको चिपका दो और रोज रिवाइज करते रहो, सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज लेंथ इन टू ब्रेथ इन टू हाइट. ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बेटा? लेंथ इन टू ब्रेथ इन टू हाइट. ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला. तो ये तीनों फॉर्मूलाज है. जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम ऊपर और नीचे वाला सरफेस नहीं लेते, हम सिर्फ सराउंडिंग सरफेस की बात करते हैं, राइट? और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं बेटा, तो ये सराउंडिंग तो आएंगे ही और ऊपर और नीचे का भी पोर्शन इंक्लूड हो जाएगा. ये बेसिक डिफरेंस रहता है कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया में. ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. क्या बोला गया है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. ठीक है, लेंथ है 20, ब्रेथ है 12 और हाइट है 10 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स. ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस बोला गया बेटा. वर्टिकल सरफेसेस मतलब ये सराउंडिंग सरफेसेस के निकालना है. क्या फॉर्मूला है? टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू
हाइट, ओके। और फिर हमें टोटल सरफेस निकालना है। सो टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ये है हमारा वर्टिकल सरफेस एरिया, राइट, वर्टिकल फेसेस का एरिया या वर्टिकल फेसेस का एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दी मैंने, आप उसको डिटेल में लिखना है, मतलब प्रॉपर लिखना है। सो इट्स 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 20, ब्रेथ की वैल्यू 12 इंटू हाइट इज 10, तो ये हो गया 2 इंटू 20 प्लस 10 32 इंटू 10, तो ये आ गया बेटा 64 इंटू 10, दैट इज 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे वर्टिकल सर्फेसिस का जो वर्टिकल फेसिस का जो एरिया आया दैट इज 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना हमें कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है, टू टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट या हाइट इनटू लेंथ। ओके, सो LBBHLH, हाँ बराबर है। सो इट्स 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 20 इंटू 12 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 12 इंटू 10 प्लस लेंथ इंटू हाइट, दैट मीन्स 20 इंटू 10। ओके, सो इट इज 2 इंटू 12 इंटू 20 कितना हो जाएगा बेटा, 240 प्लस 120 प्लस 200। ओके, सो इट इज 2 इंटू 240 प्लस 120 इज 360, 360 प्लस 200 560, ओके 560। सो 0, 6 2s आर 12 एंड 5 2s आर 10, 10 प्लस 1 इज 11, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, गिवन क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होता है डायरेक्टली। ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न चाहिए, अप्लाई दी फॉर्मूला, पुट दी वैल्यूज, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, बस यही रहता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेक्स्ट इज अबाउट क्यूब। ठीक है, क्यूब के लिए बोला गया बेटा, तो क्यूब के हर एक जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, क्यूबॉइड के हर एक फेसेस जो होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, क्यूब के हर एक फेसेस स्क्वायर शेप के होते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया इज 6L स्क्वायर, जहां पे L क्या है, एज है। ठीक है, L क्या है, हमारी एज है, साइड की लेंथ है। एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस यानी सराउंडिंग सरफेस का एरिया इज 4L स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब यानी साइड का क्यूब। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूलाज किसके लिए है, क्यूब के लिए है। चलो फिर कैलकुलेट करते हैं, साइड ऑफ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल फेसेस का एरिया निकालना है जो कि होता है हमारा 4L स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है जो कि होता है 6L स्क्वायर। तो इट इज 4 इंटू 4.5 का स्क्वायर विच इज 4 इंटू 20.25। ठीक है, 4.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 20.25। सो इट इज 4 5s are 20, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 4 0s are 0, 1 आ गया, 4 2s are 8 यानी 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द वर्टिकल फेसेस का एरिया। ठीक है, वर्टिकल फेसेस का एरिया कितना आ गया बेटा हमारा, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इट इज अगेन 6 into 4.5 का स्क्वायर, दैट इज 6 into 20.25। सो 6 5s are 30, 6 2s are 12, 12 plus 3 15
1 and 6 2s are 12. Okay, so it's 121.5 centimeter square. This is the total surface area of the given cube. Okay, ये हो गया vertical faces का और ये हो गया total surface. Again very easy peasy सा है ना, सिर्फ formula लिखो, value put करो, खत्म, calculate करना है. Next is what will be the volume of cube having length of the edge 7.5. क्या निकालना है बेटा? Volume निकालना है, ठीक है. और volume of cube का formula क्या होता है? L cube. लेंथ इज 7.5, तो 7.5 का क्यूब 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, तो ये हो गया 56.25 इंटू 7.5. ओके, कर लो कैलकुलेट. 56.25 इंटू 7.5, 5 5s आर 25, 5 2s आर 10, 10 प्लस 2 12, 5 6 are 30, 31, 5 5 are 25, 25 plus 3, 28, and 0, 35, carry aa gaya 3, 14, 14 plus 3, 17, carry aa gaya 1, 7 6 are 42, 42 plus 1, 43, carry 4, 35, 35 plus 4, 39, so it's 5. 7, 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 4. ओके, और डेसिमल डिजिट्स कितने हो जाएंगे? ये 2 और ये 1 3 डिजिट्स. ओके, सो फाइनली द वॉल्यूम इज 421.875 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ आर क्यूब. ठीक है, हमारे क्यूब का रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना हो गया? 421.875 सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ गया बेटा हमारा वॉल्यूम. ओके, सो ये सब हम ऑलरेडी 9 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. ठीक है, सिलेंडर भी आप ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, ये क्या है बेटा? एक रेक्टेंगुलर शीट ही तो है. अगर आप सिलेंडर को ओपन करोगे तो रेक्टेंगुलर शीट मिलेगी. इस रेक्टेंगुलर शीट को घुमा के क्लोज करोगे तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मिलेगा ना. दैट मींस ये लेंथ इनटू ब्रेथ है एक तरीके से, और लेंथ इसकी क्या आएगी? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर. ब्रेथ इसकी हो जाएगी हाइट, सो 2πr इंटू एच. सो कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2πrh. ओके, देन टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों सर्कल्स का भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा. सो इट्स 2πr r प्लस h, और फिर वॉल्यूम है बेटा पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज 2πrh प्लस r, और ये 2πrh. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इज 2πrh, टोटल सरफेस एरिया इज 2πrh प्लस r, एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14. ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2πrh प्लस r, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया. ओके, तो पहले कर्व सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस इज 20 एंड हाइट इज 13, तो ये कितना हो गया हमारा? 20 इंटू 2 40 इंटू 13 इंटू 3.14 0, 13 फोर जा 52 इंटू 3.14, राइट. सो यहां से आ जाएगा 52 इंटू 31.4, ये जीरो से एक डेसिमल शिफ्ट हो गया, 52 इंटू 31.4. सो 31.4 इंटू 52, 4 2s आ गया 8, 2
6, 5 4s are 20, 5 and 2 7, 5 3s are 15. So it's 8, 2, 3, 6, 1. Or decimal digit ek hi hai beta hamare paas. So the answer is 1632.8 centimeter square. This is the curved surface area of cylinder. Ye kya gaya hamare cylinder ka curved surface area aa gaya. Okay. Next hame calculate karna hai beta total surface area. So fir se value put kar dete hain. Okay. So it's 2 into 3.14 into r is 20. Height is 13 plus 20. So it is 40 into 3.14 into ये कितना हो गया 20 plus 1 10 33. Okay. So 4 into 31.4 into 33. 4 3s are 12. 4 3s are 12 plus 1 13 into 31.4. ठीक है, इसको multiply कर देते हैं अब. So 132 into 314. 8, 12, 5, 2, 3, 1, 6, 9, 3, 8, 4, 9, 9 plus 5, 14, 9 plus 1, 10, 10 plus 1, 11, and 4. और एक डेसिमल डिजिट. सो टोटल सरफेस एरिया इज 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया बेटा हमारा टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, दो फॉर्मूलाज थे हमारे पास, 2 पाई आर एच फॉर कर्व्ड एंड 2 पाई आर एच प्लस आर फॉर टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज हमने अप्लाई कर दिए और कैलकुलेट किए. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में फॉर्मूलाज और कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा संभल के करनी है क्योंकि डेसिमल कैलकुलेशंस रहती है, थोड़ी भी गड़बड़ मतलब पूरा जीरो मार्क. ठीक है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा बेटा कंप्लीटली. और फॉर्मूला भी बहुत ध्यान से लिखना है, उसमें भी गड़बड़ नहीं करनी है. ओके, सो फाइनली जो आपका 9th स्टैंडर्ड में नया कंसेप्ट आया है दैट इज कोन. अब ये कोन क्या होता है, बर्थडे कैप सबको पता है, आइसक्रीम कोन हमें पता है, राइट. तो ये जो इस तरीके का फिगर होता है इसको हम बोलते हैं कोन. ओके, दिस फिगर इज नोन एज कोन. ये आपका सर्कुलर होता है, नीचे वाला पार्ट ये रेडियस आ गई. ठीक है, स्मॉल आर से रेडियस डिनोट करते हैं. उसके बाद ये होती है बेटा आपकी हाइट. ओके, दिस इज हाइट ऑफ द कोन. अब ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, इस वर्टेक्स से सर्कल के पार्ट तक की जो लेंथ है इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, डिनोट करते हैं एल से. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्लैंट हाइट, और डिनोट करते हैं एल से. तो ये जो हाइट है ये एक परपेंडिकुलर बनेगा. नाउ दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. तो अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम, कैन आई राइट दैट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं. यानी एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस हाइट एंड स्लैंट हाइट. ठीक है, कोन में रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट के बीच का रिलेशन इस फॉर्मूला से दिया जाता है, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. आया कैसे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है, नाउ जो एरिया ऑफ बेस है, अब बेस तो एक सर्कल है, राइट. बेस क्या है, एक सर्कल है. सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर. ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये जो ये राउंड जा रहा है, ठीक है, ये जो ऐसे गोल घूम रहा है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया. नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला पाई आर एल. ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई आर एल से निकालते हैं. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बेटा पाई आर एल प्लस आर. तो इसमें ये पूरा सरफेस प्लस सर्कल वाला पार्ट, ठीक है, ये पूरा सरफेस
यानी पाई आर एल कोन वाला पार्ट प्लस पाई आर स्क्वायर सर्कल वाला पार्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस मिलेगा। यहां से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिला, एल प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर द कोन। ओके, सो देयर इज द क्वेश्चन, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर, इट्स स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। वेरी इजी, रेडियस स्लैंट हाइट और हाइट का रिलेशन हमें पता है, दैट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें आर फाइंड आउट करना है। ओके, एल की वैल्यू 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो इट इज 144 प्लस आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज 169 माइनस 144, कितना आ जाएगा बेटा, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, सो आर स्क्वायर इज 25, दैट मीन्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई हमारी, 5 सेंटीमीटर आ गई। एकदम इजी पीजी सा क्वेश्चन है, ओनली फॉर्मूलाज याद कर लो, बस इतना काफी है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्व सरफेस एरिया। ओके आई गेस, हाँ या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28। ठीक है, हमें क्या दिया है बेटा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ओके, टोटल सरफेस एरिया इज 7128। नाउ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ कोन, इट्स पाई आर एल प्लस आर, करेक्ट, विच इज इक्वल्स टू 7128। नाउ पाई इज 22/7, रेडियस इज 28 इंटू एल प्लस 28 इज इक्वल्स टू 7128। 7 1s are 7, 4s are, सो 22 इंटू 4 एल प्लस 28 इज इक्वल्स टू 7128। तो L प्लस 28 कितना हो गया बेटा, 7128 बाय 22 इंटू 4। ठीक है, इसको अब हम प्रॉपरली डिवाइड कर देंगे, 4 वन्स आ और यहाँ पे ये आ गया 4 वन्स आ 10 31, यानी 4 7s आ 28, 4 8s आ 32 एंड 4 2s आ 1782। ओके, सो एल प्लस 28 इज इक्वल्स टू 1782 बाय 22। इसको 2 से कर देंगे तो 2 11s आ 2 8s आ 16, 2 9s आ 18 एंड 2 1s आ। ओके, सो हमें क्या मिला यहाँ पे, इट्स 891 बाय 11। सो एल प्लस 28 इज इक्वल्स टू 11 8s are and 11 1s are. So L is equals to 81 minus 28. 11 में से 8 चले गए 3 और 8 में से 3 गए 5. So length that is slant height, L that is slant height. Slant height हमें कितनी मिली बेटा, 53 centimeter मिली. Okay? 53 centimeter is the slant height. Next, हमें volume निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो आर है हमारे पास, एल है हमारे पास, एच फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना, हमें एच रिक्वायर्ड है। सो नाउ एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। एल इज 53 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर इज 28 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो फाइनली हमें कितना मिलेगा, 53 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 53 का स्क्वायर इज 3 3s are 9, 5 3s are 15, 5 3s are 15 और 5 5s are 25, 26, 9
जीरो आठ और ये दो, 2809। ओके, 53 का स्क्वायर कितना है? 2809। और 28 का स्क्वायर 64, 16, 16 प्लस 6 22, 8 2 16, 2 2 4 प्लस 1 5, सो 487, 784। ओके, इट इज इक्वल्स टू 784 प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2809 माइनस 784, 9 माइनस 4 5, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0 एंड 2, 2025। एच स्क्वायर की वैल्यू 2025 आई, और 2025 किसका स्क्वायर है बेटा? 45 का। ओके, सो एच कितना आ गया हमारा? 45 सेंटीमीटर। अब एच भी मिल गया तो क्या हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, सो वॉल्यूम इज 1/3 πr² एच। सो इट इज 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 28 × 28 इंटू एच इज 45, 7 1 7 4 जा। ओके, और उसके बाद 3 1 जा 3 1 जा एंड 3 5 जा, राइट। तो हमें कितना मिल गया यहाँ पे? 22 × 4 × 28 × 15, 88 × 28 × 15। सो कैलकुलेशन इज टू मच इन दिस चैप्टर, ठीक है? कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ध्यान से करना। ओके, चलो बेटा 88 × 28 करेंगे हम, 8 8 = 64, 64 + 6 = 70, 8 2 = 16 और 8 2 = 16 + 1 = 17, 4 6 4 और 2, 2 4 6 4 × 15, ठीक है, 2 4 6 4 × 15, 0 6 96 के आगे 9, 69 6 30 36, 36960 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये हो गया बेटा हमारा कोन का वॉल्यूम, 36960। तो अच्छा खासा लेंदी सा क्वेश्चन था ये, काफ़ी अच्छी खासी इसमें कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा भर भर के कैलकुलेशन दी हुई थी। ओके, तो यहाँ पे रेडियस गिवन थी हमारे पास, रेडियस की हेल्प से पहले हमें स्लैंट हाइट निकालनी थी, स्लैंट हाइट की हेल्प से हमें हाइट निकालनी थी, और उसके बाद हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है बेटा? पाई आर एल इज 251.2, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इज 251.2, यानी पाई आर एल इज 251.2 एंड रेडियस ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। एल और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, इंटू आर 8 दिया हुआ है, एल हमें नहीं पता निकालना है, इज इक्वल्स टू 251.2, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा? एल इज इक्वल्स टू 251.2 अपॉन 3.14 इंटू 8। तो पहले 8 से डिवाइड कर लेते हैं, या फिर इसका डेसिमल हम हटा सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2512 0 अपॉन 314 × 8। अब ये 8 से डिवाइड होगा 25120, ठीक है, यहाँ एक था यहाँ दो था, इसीलिए एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ दो डेसिमल डिजिट हट गए। इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, 3 ज़ा 24 आ गया, 1 8 1 ज़ा 8
आ गया 3, 4 जा 32 और ये एक 0, 3140। ओके, सो इट इज 3140 अपॉन 314, सो आंसर इज 10। ओके, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया अब हमारा कैलकुलेशन। तो यहां से लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ नहीं सॉरी स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर हाइट, सो रेडियस भी है स्लैंट हाइट भी है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। ओके, सो इट्स 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 100 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 64, सो एच स्क्वायर इज 100 माइनस 64 विच इज 36, तो एच स्क्वायर की वैल्यू 36 यानी एच इज 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ गई बेटा हमारी, 6 सेंटीमीटर आ गई। ओके, हो गया इजी पीजी सा। नेक्स्ट इज फॉर स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, बॉल, राइट, बॉल जो होता है उसको हम स्फीयर बोलते हैं, सर्कल नहीं, भरा हुआ सर्कल। ओके, भरा हुआ सर्कल, कोई भी एक बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, विच एवर जो भी हमारा बॉल होता है उसको स्फीयर बोला जाता है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया आता है बेटा, दैट इज 4πL² ओके। अब यहाँ पे जो आपकी क्या बोल सकते हैं उसको हम, कर्व सरफेस वगैरह वाला कोई फंडा नहीं रहता, क्योंकि पूरा का पूरा कर्व वो एक ही चीज रहती है। ओके, सो सरफेस एरिया इज 4πR² होना चाहिए एक्चुअली, ये 4πR² एंड वॉल्यूम इज 4/3πR², ठीक है। स्फीयर पे हमारे पास सिर्फ रेडियस रहेगी, यहाँ लेंथ वेंथ कुछ नहीं रहती, ओनली रेडियस वी हैव, ठीक है, ओनली रेडियस वी हैव, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πR² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3πR². ओके, सो फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स ऑफ फॉलोइंग रेडाई, रेडाई हमें दी हुई है, सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा, 4πR² और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πR². ओके, सो फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे, फर्स्ट आर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया इज 4 इंटू आर की वैल्यू पाई के टर्म्स में ही रखते हैं अगर गिवन नहीं है तो, 4π, आर इज अगेन 4 का स्क्वायर, सो इट इज 4 इंटू पाई इंटू 64 पाई, ठीक है, सरफेस एरिया आ गया हमारा 64 पाई, वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर बाय 3, तो पाई आर स्क्वायर की, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 64 पाई बाय 3, तो 3 2 जा 6, अच्छा ये कैलकुलेट नहीं होगा, इतना ही रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम इज 64 पाई बाय 3। हाँ, इसको अगर आप पाई की वैल्यू पुट करके 3.14 पुट करके या 22/7 पुट करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ओके, नाउ फॉर सेकेंड वन, सेकेंड के लिए है आर इज 9 सेंटीमीटर, सो सरफेस एरिया इज 4π × 81, 9 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो 324 पाई एंड वॉल्यूम इज 324 पाई बाय 3, तो 6 4 3 2 5 4 9, यस डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा, देन 0 जा और 8 जा, ठीक है, 108 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम फॉर सेकेंड वन। थर्ड के लिए बात करते हैं, तो थर्ड के लिए ये हो जाएगा बेटा, थर्ड के लिए रेडियस दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर, सो सरफेस एरिया इज 4π × 3.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पाई की वैल्यू यूज करनी है, 4 × 3.14 × 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा,
12.25, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग इजीली। देन ऐसे ही हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम इज यही सेम वैल्यू 4 इंटू 3.14 इंटू 12.25 बाय 3, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन ही आपको करना है टू गेट दी आंसर। बहुत सिंपल से दो फॉर्मूलाज है बस स्फीयर के लिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, इफ सरफेस एरिया इज 2826, ठीक है, सरफेस एरिया कितना दिया है हमें 2826, यानी 4πr² इज 2826, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए रेडियस रिक्वायर्ड रहेगी बेटा, तो पहले यहां से हम रेडियस निकालेंगे। ओके, तो रेडियस कितनी हो गई, 4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2826। सो आर स्क्वायर इज 2826 अपॉन 4 इंटू 3.14, 4 से डिवाइड कर देंगे, 7 are 28, 0 और 26 आ रहा है, यानी 4 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से करना पड़ेगा इसको, 2 1s are 2 4s are 2 1s are 2 3s are, 2 इंटू 314 कर देती हूँ इसको, तो यहाँ 0 0 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 7s are 0, 2 6s are और बचा 1, तो 2 5s are 0। ओके, 3 2 5 डिवाइडेड बाय 3 1 4, ना 3 1 4 से डिवाइड करना है बेटा, तब जाके हमें यहाँ रेडियस मिलेगी। ओके, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 2 से छोटा छोटा करते हुए जा सकते हैं हम लोग, या फिर 3 1 4 के आसपास देख लो, जैसे 5 4s are 20 होता है ना 0, यानी अगर 10 से करेंगे तो 3 1 4 0 50 15 0 5 15 0 5 4s are 20, कैरी आ गया 2 5 1s are 5 plus 2 7 5 3s are 15 0 4 1 3, 7 और 4 नहीं आ रहा है, 15 तो नहीं होगा, 25 0 7 15 0 4 2s are 8 8 और 7 आ सकता है, 4 2s are 8 2 1s are 2 and 3 2s are 6, तो ये आ गया 0, 8 और 7 15, 5 6 7 और 1 8, ओके, इट इज ऑल्सो स्मॉलर नंबर, ये 4 डिजिट आ रहा है, हमें 5 डिजिट चाहिए, यानी काफ़ी बड़ा आएगा, चलो छोटा छोटा करते हुए ही जाते हैं, 70650 अपॉन 314, 2 1s are 2 5s are 2 7s are, और ये हो गया हमारा 2 3s are और 3s are 6, देन 2 5s are 10, फिर से 2 3s are 2 2s are and 2 5s are, 3 5 3 2 5 अपॉन 157, 7 5 12 और 1 13, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग देख लेना बेटा, क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाएगा अभी अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना, एक प्रॉपर नंबर आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, सो यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और आर की वैल्यू मिलने के बाद हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ 4/3πr²h, ठीक है, ये आप वॉल्यूम का फॉर्मूला इजीली इस पर यूज़ कर सकते हो, तो ये आप आगे कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है, दिस इज़ दी होमवर्क, अभी कैलकुलेट करने में बहुत टाइम चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेटा 2/3r³। ओके, देयर इज फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक्स हो रही है आई गेस, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो रही है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक, हाँ पाई का प्रेजेंस चाहिए, ठीक है, लेट मी क्रॉस चेक वंस,
हेमिस्फीयर के लिए वी आर चेकिंग एंड स्फीयर के लिए वी आर चेकिंग, तो सी स्फीयर का, या आई न्यू इट, ये गड़बड़ थी, यहाँ क्यूब होना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो 4/3 πr³ होगा स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है, स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 4/3 πr³। वॉल्यूम इज 4/3 πr³, ओके, सो इट इज 4/3 π ✕ 64, ठीक है, सो ये आगे कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 4/3 πr³ होगा, एंड हियर ऑल्सो इट इज 4/3 πr³, ओके, और कहाँ था हमारा, यहाँ था, दिस इज 4/3 πr³। सरफेस एरिया का करेक्ट है 4πr², बस वॉल्यूम का 4/3 πr³ होना चाहिए था, दैट वॉज द मिस्टेक बेटा। और यहाँ हेमिस्फीयर के लिए भी इट इज 2/3 πr³, ओके, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 πr³, और ये 2πr² + πr² + 3πr² होना चाहिए, ओके, दैट्स द अगेन मिस्टेक। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² + πr², अच्छा, इक्वल्स टू 3πr², सही है। कैसे आएगा वो बताती हूँ, हेमिस्फीयर होता क्या है, ठीक है, अगर हमारा जो स्फीयर है उस स्फीयर को हम आधा काट दे, उस स्फीयर को हम आधा काट दे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा बेटा, राइट, स्फीयर को आधा काट देंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अब इस फिगर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये सर्कल का एरिया प्लस ये आधे स्फीयर का एरिया है ना, सर्कल का एरिया इज πr² और आधे स्फीयर का एरिया, स्फीयर का पूरा एरिया क्या होता है 4πr² और इसका हमें आधा लेना है, हाफ करना है, तो 2 1 2 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 सो πr² + 2πr² यानी हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 πr³। ये दो फॉर्मूलाज है बेटा हमारे पास। सो द क्वेश्चन इज, इफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 5 cm, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब हेमिस्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये आधे स्फीयर का एरिया, ओके, हेमिस्फीयर के केस में कर्व सरफेस एरिया मतलब आधे स्फीयर का एरिया, ऊपर वाला हट जाएगा, यानी कितना हो गया बेटा 2πr², ठीक है, ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इज 2πr² एंड टोटल सरफेस एरिया इज πr 3πr², ओके, तो रेडियस गिवन है 5, तो 2 × 3.14 × 5 का स्क्वायर, सो 2 × 3.14 × 25, 25 × 2 = 50 × 3.14 विच इज 5 × 31.4, तो ये कितना हो गया बेटा 5 × 4 = 20, तो वो जीरो हट जाएगा, 5 × 5 + 2 = 7, 5 × 3 = 15, ओके, 157 cm² इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया इज 3πr², ओके, 75 × 3.14 कितना आएगा, 5 × 4 = 20, 7 = 15, 28, 7 + 2 = 9, 7 × 3 = 21, सो 0, 15, 15, 3, 2 और डेसिमल डिजिट 2 है, तो इट्स 235.5 cm², सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। ये क्या हो गया बेटा हमारा, टोटल सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन, फाइंड इट्स डायमीटर, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2/3 πr³,
राइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 2/3 πr³। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 18000 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू पाई भी है, पाई इज इक्वल्स टू 2/3 πr³। पाई और पाई कैंसिल, 18000 इंटू ये हो जाएगा बेटा 3/2 इज इक्वल्स टू r³। नाउ 2 1s are 2 9s are and 9 3s are 27, 27000 30 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी 30 सेंटीमीटर आई, हमें निकालना है डायमीटर। ओके, तो डायमीटर इज 2 times radius विच इज 2 into 30 दैट इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना आ गया हमारा, 60 सेंटीमीटर आ गया। तो थोड़ा सा वो फॉर्मूले का प्रिंटिंग एरर था, वो करेक्ट कर लेना बेटा। ओके, और वो कैलकुलेशन जो पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा चैप्टर था, कंप्लीटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में स्पेसिफिकली पढ़े बेटा कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने इस चैप्टर में कंप्लीट की है, और इसके अलावा क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का एक क्विक रिवीजन लिए थे जो हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े। इन तीनों में हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है दैट्स वी हैव लर्न। स्फीयर का फॉर्मूला करेक्शन कर लेना, ओके, और हेमिस्फीयर में भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। और जो पेंडिंग क्वेश्चंस है, होमवर्क क्या है, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट और स्लाइड में के जो पेंडिंग कैलकुलेशन है दैट यू हैव टू कंप्लीट। और इस चैप्टर के लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी उतना आपको कम समय लगेगा। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर सिलेबस। ये हो गया हमारा लास्ट चैप्टर कंप्लीट। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। इट्स नॉट लाइक कि पूरा कंप्लीट हो गया तो रिलैक्स हो जाओ, नो, यू हैव टू स्टार्ट योर रिवीजन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर बेटा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से आपको अपनी रिवीजन भी स्टार्ट करनी है। सो बाय बाय एवरीवन, जस्ट रॉक इन योर एग्जाम्स एंड टेक केयर, बाय।